अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बटन बटन। जो हमने चैप्टर पढ़ा था बटन बटन, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं पेपर के हवाले से। आज हम ये करेंगे। पहला है जो एमसीक्यूज है, वो पहला एमसीक्यूज है, व्हाट डिड नॉर्मा सी व्हेन शी टर्नड द यूनिट ओवर। जब नॉर्मा ने यूनिट को उल्टी तरफ से देखा, उल्टा कर देखा, तो उसको क्या मालूम हुआ, यानी कि क्या यूनिट के साथ उल्टी साइड जब उसने की उसकी, तो उसमें क्या लगा हुआ था। अ स्क्रू, अ नेल, अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, अ फोल्डेड पीस ऑफ अ स्कॉच टेप। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर जो है, जब उसने उल्टी तरफ से देखा तो एक फोल्डेड पीस ऑफ पेपर जो है वो लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर टू, नॉर्मा वाज श्योर नाउ इट वाज समथिंग रिलेटेड टू ऑफिस, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, सेल्स। नॉर्मा वाज श्योर नाउ इट वाज समथिंग रिलेटेड टू। अब नॉर्मा को यकीन हो चुका था कि ये चीज़ किसके मुतल्लिक है, ये ऑफिस, स्पोर्ट्स, मेडिसिन या सेल्स। तो उसको मालूम हुआ कि ये सेल्स के मुतल्लिक है, कि यानी ये शख्स जो है कोई चीज़ बेच रहा है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, आर्थर इनवाइटेड मिस्टर स्टीवर्ड टू सिट इन द डैश लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, स्टडी, हॉलवे। आर्थर ने मिस्टर स्टीवर्ड को इनवाइट किया कि वो बैठे कहाँ बैठे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट है, लिविंग रूम में उसने उसको कहा कि वो लिविंग रूम में बैठे। द बेल वाज कनेक्टेड टू मिस्टर स्टीवर्ड्स, जो घंटी थी वो कनेक्ट थी मिस्टर स्टीवर्ड के रूम के साथ, ऑफिस के साथ, होम के साथ या हॉस्पिटल के साथ। तो ये मिस्टर स्टीवर्ड्स के ऑफिस के साथ कनेक्टेड थी। मिस्टर स्टीवर्ड डिड नॉट टेल द नेम ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताया क्योंकि ही वाज नॉट एट लिबर्टी, उसको ये बताने की इजाज़त नहीं थी। ही वाज लाइंग, या वो झूठ बोल रहा था। ही वाज अ रॉबर, वो एक चोर था। ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि ही वाज नॉट एट लिबर्टी, उसको ये बताने की इजाज़त नहीं थी। ऑप्शन नंबर सिक्स, आर्थर लुक्ड एट नॉर्मस रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर वाइल। आर्थर ने देखा नॉर्मा रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर वाइल वॉशिंग हिज हैंड्स, जब वो अपने हाथ धो रहा था। वॉशिंग हिज फेस, जब वो अपना चेहरा धो रहा था। ब्रशिंग हिज टीथ, जब वो अपने टीथ ब्रश कर रहा था। कॉम्बिंग हिज हेयर, जब वो अपने हेयर को कॉम कर रहा था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि ब्रशिंग हिज टीथ, जब वो अपने टीथ ब्रश कर रहा था। नॉर्मा हेल्ड द टोन एजेस टुगेदर वाइल शी वाज ऑन हर। नॉर्मा ने जो वो कार्ड था जिसके आर्थर ने जिसके दो टुकड़े कर दिए थे, वो उसने पाया और उसको उन दोनों टुकड़ों को उसने कब उसको मिले, while she was on lunch break, day break, kitchen, office, coffee break, जब वो coffee break पर थी, तो उस वक़्त उसने उनको यानी कि दोनों हिस्सों को जोड़ा, सॉरी पाया नहीं, पाया तो उसने पहले उनको था और उसने अपने बैग में डाल लिए थे, और ऑफिस में जाकर उसने जब वो कॉफ़ी ब्रेक थी तो उस वक़्त उसने उनको दोनों हिस्सों को जोड़ा। नॉर्मा स्कॉच टेप द कार्ड हाफ्स। नॉर्मा ने वो जो स्कॉच टेप के साथ उन कार्ड्स के आधे जो हिस्से थे उनको कब जोड़ा, आफ्टर कॉफ़ी ब्रेक, आफ्टर लंच ब्रेक, आफ्टर टी ब्रेक, आफ्टर ऑफिस ब्रेक। तो इसमें है आफ्टर लंच ब्रेक, जो सेवन ऑप्शन है ना जी, वो है नॉर्मा हेल्ड द टोन एजेस टुगेदर वाइल शी वाज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक। तो इसी तरह का मिलता जुलता ऑप्शन है कि नॉर्मा स्कॉच टेप्ड द कार्ड्स हाफ्स व्हाइल शी वाज
यानी कि लंच ब्रेक के बाद जब कॉफ़ी ब्रेक थी तो उस वक्त, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, साफ ज़ाहिर है लंच किया और उसके बाद कॉफ़ी ब्रेक थी तो उस वक्त उसने उनको जोड़ा। उसके बाद है नॉर्मा सा द बटन यूनिट सेकेंड टाइम एज शी लेफ्ट द रूम ऑफिस अपार्टमेंट एलिवेटर। नॉर्मा ने देखा बटन यूनिट को दूसरी बार जैसे ही उसने एलिवेटर को छोड़ा, वाइल शी लेफ्ट द एलिवेटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है एलिवेटर आएगा। नॉर्मा मेड पैनकेक्स एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट बर्थडे टी ब्रंच। नॉर्मा ने एग्स और टी और पैनकेक्स बनाए आर्थर के लिए, किस वक्त? ब्रेकफास्ट, यानी उसके ब्रेकफास्ट के लिए। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट द डैश, नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट, नॉर्मा ने कोशिश की उठाने की किसको? बटन यूनिट को, ग्लॉस डोम को, स्कॉच टेप को या पीस ऑफ पेपर को। तो इसमें है ग्लॉस डोम, यानी जो वो गुंबद नुमा जो शीशे की तरह था उसको उठाने की कोशिश की ऊपर से। मिस्टर स्टीवर्ड स्टोन हैड बीन, मिस्टर स्टीवर्ड की टोन क्या थी? चार्मिंग थी, प्लीजिंग थी, ऑफेंसिव थी या डिफेंसिव थी? तो ये ऑफेंसिव, यानी उसका रवैया जो है वो हुसीला था या जारहाना था। मिस्टर स्टीवर्ड सेड इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ, मिस्टर स्टीवर्ड ने क्या कहा कि ये आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो सकती है, किस तरह से? यानी कि प्रेज, रिस्पेक्ट, प्राइस या मनी, यानी ये आपके लिए, उसने कहा कि पैसे के हवाले से ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्टीवर्ड वॉक्ड इनटू द हॉल एंड पुल्ड ओपन द डैश। स्टीवर्ड जो है वो हॉल में गया और पुल्ड ओपन द डैश, क्या उसने खोला? डोर, कैबिनेट, विंडो आर ड्रॉअर। तो इसमें है डोर। उसके बाद है वाइल ब्रूशिंग हिज टीथ आर्थर्स आईज, जब वो अपने टीथ ब्रश कर रहा था तो आर्थर की आँखें ब्लर्ड, ग्लेयर्ड, विंक्ड, शिफ्टेड। तो उसकी आँखें जो हैं वो इसमें ऑप्शन जो है वो शिफ्टेड आएगा, यानी वो कि उसकी आँख वो अपने जो है वो इधर उधर देख रहा था जब वो अपने ब्रश टीथ कर रहा था, अपने टीथ ब्रश कर रहा था। आर्थर थॉट इट मॉरल, इमोरल, इंटाइसिंग, बेनिफिशियल। आर्थर ने इसको यानी अखलाकी समझा, गैर अखलाकी समझा, उसको लुभाने वाला समझा या फ़ायदा मंद समझा? तो इसमें है गैर अखलाकी, इमोरल, इमोरल, गैर अखलाकी। उसके बाद है नॉर्मा ड्रॉप द कार्ड हाव्स इन टू हर पर्स। नॉर्मा ने जो है उन कार्ड्स को जो उसके टुकड़े थे अपने पर्स में डाले, जानते हुए यानी कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली जो है ना जानते हुए, इम्पल्सिवली या विलिंगली। तो इसमें है इम्पल्सिवली, ऑप्शन जो है इम्पल्सिवली, ऑप्शन नंबर सी वो आएगा। नॉर्मा एट इन हरी साइलेंस किचन नॉइस। तो नॉर्मा ने यानी जो है साइलेंस, खामोशी से खाना खाया। आर्थर लुक्ड इनक्रेडुलस इंथुजियास्टिक सरप्राइज डिस्टर्ड। आर्थर कैसा दिखाई दिया? इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस यानी कि यकीन ना करना, इनक्रेडुलस, शिशुपंज का शिकार होना, शक शुबे का शिकार होना। उसके बाद ऑप्शन नंबर 20 और दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, नॉर्मा लुक्ड डिस्टर्ब्ड, परटर्ब्ड, एंग्री, डिसगस्टेड। नॉर्मा डिसगस्टेड नज़र आई, डिसगस्टेड मैंने होता है नफ़रत करना, तो इसमें जो है वो डिसगस्टेड वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये आपके MCQs हैं और इसके बाद वाले जो MCQs है वो भी हम करेंगे। फ़िलहाल ये 20 MCQs। थैंक यू वेरी मच।